कि हर साल जो है 10,000 लोगों की मौत होती है बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन इन जम्मू एंड कश्मीर। यम जन बट क्या बट मालिकान यम जन रोप खर्चा यम दपा त्रो तुहद जमीन मे बट जन हार्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर लैंड जो हमारा यहाँ पे शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है उसके जो डायरेक्टर हैं उन्होंने कुछ महीने पहले कहा कि हर साल जो है 10,000 लोगों की मौत होती है बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन इन जम्मू एंड कश्मीर। अभी तक हमको पता था कि सिर्फ हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर खाली वाटर पोल्यूशन है या बाकी तरह के पोल्यूशन है, बट बड़ी हैरान कन बात थी कि उन्होंने कहा कि यहाँ पे एयर पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उन्होंने नए रूल्स निकाले, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन अमेंडमेंट रूल 2022। उसके हिसाब से जो हमारे ब्रिक किलन्स हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्रिक किलन्स हैं, सीमेंट फैक्ट्रीज हैं, उनसे जो पोल्यूशन होता है बहुत ही डेंजरस है वो। और उन्होंने कहा था कि इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, खासकर जो हमारे ब्रिक किलन्स हैं, सीमेंट फैक्ट्रीज हैं, उन्होंने कहा था कि उसमें जो है खासकर ब्रिक किलन्स के अंदर ईंट के भट्टे हैं, वहाँ पे जो है पाइपेट नेचुरल गैस, जिगजैग टेक्नोलॉजी और वर्टिकल शाफ्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है नए ब्रिक किलन्स। और पुराने जो ब्रिक किलन ऑलरेडी है उनको कहा गया है कि एक साल के अंदर अंदर वो ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। और अफसोस की बात यह है कि इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट इतना पोल्यूशन होता है, इतने ज़्यादा पेड़ काटे गए इन ब्रिक किलन्स को इस्टेब्लिश करने के लिए, पुराने जो हो गए नए ब्रिक किलन्स को टारगेट किया, उसके लिए कंसेंट दी जा रही पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से, जिसे पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी कहा जाता है। छोटा सा अगर कोई कारखाना लगाएगा, छोटा सा इंडस्ट्रियल यूनिट लगाएगा, कोई कहीं पे अपना कोई होटल या कोई छोटा सी हट बनाएगा, उसके लिए हमारी पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी जाती है, उनको बोलते हैं कंसेंट लाइए, ये लाइए, वो लाइए। अब पेड़ काटेंगे, अब वहाँ पे ब्रिक किलन्स तामीर किए जाएंगे, उन्होंने उसमें जो है कंसेंट दिए। पहले उनके ही डिपार्टमेंट ने बोला कि यहाँ नहीं बन सकता है, 4 महीने के बाद ही फिर कंसेंट आ गई। इसमें जो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जो हमारा एंटी करप्शन ब्यूरो है और CBI उनको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि अगर पहले पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने रंगीन कुलथरू में कहा कि यहाँ पे कोई भी जो है ब्रिक किलन नहीं बन सकता है, ये बिल्कुल एनवायरमेंटली फ्रेजाइल जगह है, यहाँ पे बिल्कुल उनकी टीम आई डिस्ट्रिक्ट बड़गाम की टीम फील्ड में, फिर क्या वजह है कि उनके मेंबर सेक्रेटरी ने जो है उसमें कंसेंट दे दी बाद में कि आप इसमें तामीर कर सकते हैं। इसमें मैं चाहूँगा कि डीपली इसमें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और गवर्नमेंट से अपील करूँगा कि इसका पूरा वो निकाले कि क्या वजह है कि जो है पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने इसमें कंसेंट दी है। के बारे में बता रहे हैं कि कुलथरू एरिया में कुछ नए ब्रिक किल्न्स का कुछ एस्टेब्लिशमेंट का हो रहा है, आप रेस्ट एश्योर हैं कि नए ब्रिक किल्न का एस्टेब्लिशमेंट तब तक नहीं हो सकता जब तक ना सरकार की तरफ से, कंपटेंट अथॉरिटी की तरफ से उसका क्लियरेंस हो, लाइसेंस हो। लाइसेंस के बगैर हम कुछ एरिया में या किसी भी एरिया में जो है नए किसी ब्रिक किल्न को एस्टेब्लिश होने की इजाज़त नहीं देंगे। तो जो लोग वहाँ पर कहते हैं कि वहाँ पर जो है जो चेंज ऑफ दिस एरिया है, पेड़ काटे हैं, उसके बदले कुछ और कोशिश कर रहे हैं यूज़ करने की, मैं इसमें भी यही कहूँगा बेसिकली द ओनर ऑफ द लैंड वो एक एग्रीकल्चर पर्पज़ है दूसरे एग्रीकल्चर में के पर्पज़ के लिए चेंज करना चाहे तो उसमें हम उसको रोक नहीं सकते हैं, लेकिन इफ़ ही वॉन्ट्स टू गो फॉर द नॉन एग्रीकल्चरल यूज़ तो श्योरली उसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी जो उसमें DC साहब हैं उनके पास उसका इजाज़तनामा होना चाहिए, उस इजाज़तनामे के बगैर वो उसको चेंज नहीं कर सकते। ایجم صوبس نصیدار صوبس نائب صوبس یہاں تر کم کاروائی کران اچھی کران کچھ نفر کوشش بٹ لاگس مگر تم اگر ان پڑھ لاگان ان پڑھ مگر تم پڑھی نا کیا مارچس مل اخی دن کاپت پلوشہ والو تو نومبر مجھ دن بیا کاپت تو اچھا کرے سٹھا کوشش کرے دیوکام کرے سٹھا پلوش ڈائریکٹر تر ایپلیکیشن ون تم تر ایپلیکیشن سہ دان آج پگہ کر مگر دان یم زن بٹ کی بٹ مالکان یم زن روپیے خرچاوان دپان ترو تہ زمین مجھ بٹ یس زن ہارٹیکلچر اینڈ ایگریکلچر لینڈ یل کہ زن گڑے گمت تمام ڈپارٹمنٹن خاص کر SDM چاڑورس ات خطر ایپلیکیشن کرم نہ صرف SDM چاڑور بلکہ تحصیلدار صاحب کے پاس بھی گئے ہم نہ صرف تحصیلدار صاحب کے پاس بلکہ گئے DC صاحب بڈگام DC بڈگام کے پاس بھی گئے ہم نہ صرف وہاں
बल्कि डी कॉम साहब के पास भी गई है। लेकिन मुझे लगता है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन कैसी है हमें समझ नहीं आ रहा है। एक साइड हमें पोल्यूशन डिपार्टमेंट ने लिख के दिया है रिपोर्ट कि यहाँ पे ये एग्रीकल्चर लैंड या हॉर्टिकल्चर लैंड है, ये मुतासिर हो जाएगी इससे भट्टों से, यहाँ भट्टे नहीं लगना चाहिए। वही डिपार्टमेंट दूसरी जानब पता नहीं है कैसे NOC पेश करते हैं, हमें समझ नहीं आ रहा कि यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कैसी है। अगर हमने पहले रिपोर्ट दिया है कि ये यहाँ बागात के लिए यहाँ से एनवायरमेंटली प्रॉब्लम हो जाएगी इससे, तो लेकिन फिर वहाँ पीछे उनको क्यों NOC पेश किए जाते हैं। हाँ, हमने देख लिया है एक जो हमारे पास वो एक आई थी, वो कंसेंट एक आई है बगलू ब्रिक किलन के नाम से, हमने सोचा है कि उसके लिए भी हम फिर वापस गए हैं, खासकर उसके पास पोल्यूशन डायरेक्टर साहब के पास। हमने न सिर्फ वहाँ गए बल्कि हम हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को भी गए, हम वहाँ भी उनसे गुजारिश की है कि इनको NOC नहीं देना चाहिए, और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को भी गई है, उन्होंने हमें रिपोर्ट भी लिख के दिया है कि हाँ इससे प्रॉब्लम हो जाएगी, आपके खेत पर बुरा असर पड़ेगा, न सिर्फ यहाँ के एनवायरमेंटली प्रॉब्लम बल्कि हमारे सेहत पर भी बुरा असर पड़ेगा इससे। इसलिए हम मौजबाना गुजारिश करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन को कि यहाँ पट्टे कति नहीं लगने चाहिए, किसी भी हालत में यहाँ पट्टे नहीं लगने चाहिए, क्योंकि हम पहले ही इसके शिकार हो चुके हैं, जबकि हमें पहले ही कंधे पर तकरीबन 20-22 भट्टे लग चुके हैं। अगर आप और भट्टे हो जाएंगे तो फिर हमारी हालत कैसी होगी। हम एक ही गुजारिश करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, अगर वो और भट्टे यहाँ लगाना चाहते हैं तो हमें और कहीं किसी जगह प्लाट दिखा, हम यहाँ से हिजरत करेंगे, हम वहाँ ही जाएंगे रहने के लिए, क्योंकि अगर हम एक साइड पोल्यूशन के शिकार हो गए, अब हम दूसरी साइड भी पोल्यूशन के शिकार हो जाएंगे, तो हमारे बच्चों के सेहत पर, न सिर्फ बच्चों के सेहत पर बल्कि सभी बड़ों पर भी बुरा असर पड़ेगा इससे। हम इसीलिए गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि यहाँ किसी भी हालत में ब्रिक किलने लगना नहीं चाहिए। मुझे बाकी जो भी यहाँ ब्रिक किलने चल रहे हैं मुझे लगता है वो भी इलीगल है, वो भी समझ नहीं आ रहा कि अगर इलीगल भट्टे यहाँ चल रहे हैं उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हो जाती। हमारी गुजारिश यही है कि मेहरबानी करके हम अपनी तरफ से मौजबाना गुजारिश करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, खासकर डिस्ट्रिक्ट बड़गाम को, कि यहाँ किसी भी हालत में किसी भी भट्टे को कोई परमिशन पेश ना किया। बाकी बस एडमिनिस्ट्रेशन बड़गाम से मौजबाना अपील करते हैं कि जो ये कुछ लोग वहाँ आपको या से तुम्हारे दफ्तर के चक्का लगा रहे हैं कि हमें ये मतलब भट्टे खोलने की इजाज़त है, उसके लिए हम NOC प्रोवाइड करें। हमने बारह पिछले साल से हम इसके ख़िलाफ़ है, हम कह रहे हैं कि ये भट्टे हमारे इन बागातों में नहीं होने चाहिए, क्योंकि इससे माहौल ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे सिर के ऊपर 20-22 भट्टे इस वक्त काम कर रहे हैं, जिसमें से बहुत सारे भट्टे जिनके कोई कागजात है नहीं। भट्टों की भी ज़रूरत है, वो भी ज़रूरियात है, मगर एक ही इलाके में ये सारे भट्टे आप क्यों लाना चाहते हैं? इतनी सारी इतनी बड़ी कश्मीर की वैली है, हमारे सिर के ऊपर सारे भट्टे क्यों आना चाहते हैं? हमारे इस क्षेत्र को क्यों बर्बाद करना चाहते हैं? क्यों हमारा रोजी रोटी जो ये एग्रीकल्चर लैंड पर हॉर्टिकल्चर लैंड पर मुनसर है। हम इसीलिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मौजबाना अपील करते हैं कि किसी को कोई NOC प्रोवाइड नहीं की जाए। Subscribe to our channel and push the bell icon to get video notifications on your smartphone.